देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि जिन्होंने सबसे पहले इस प्रदेश में, जब मैं गवर्नर था, प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इस मिशन को शुरू किया और अपना पूरा कृषि विभाग इसके साथ में जोड़ने का काम किया। उसका परिणाम है लगभग 2.25 लाख किसान इस समय हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। अब मैं गुजरात में हूँ तो 2 लाख किसान वहाँ जुड़ चुके हैं। बाकी जितने भी प्रदेश हैं, अब युद्ध स्तर पर सभी में कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी इस दिशा में, उन्होंने 16 दिसंबर 2021 को आनंद गुजरात से 8 करोड़ किसानों को जोड़कर प्राकृतिक खेती का आह्वान किया था और उनके बाद पूरे देश में एक बहुत बड़ी मुहिम चल पड़ी है और विश्वव्यापी भी ये कार्यक्रम बनेगा, क्योंकि अब लोगों की समझ में आया कि स्वास्थ्य का कितना महत्व है और रासायनिक कृषि से पर्यावरण बिगड़ रहा है, हमारा जल दूषित हो रहा है, धरती माता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, अन्न दूषित होने से, फल साग सब्जी दूषित होने से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो इन सब का निदान केवल प्राकृतिक कृषि पद्धति है। इस मिशन को पूरी भारत सरकार ने बजट में जोड़ा है, केंद्र के कृषि मंत्री जी और कृषि मंत्रालय और सारे भारत के कृषि विभाग इस मिशन को आगे बढ़ाने पर लगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि जिन्होंने सबसे पहले इस प्रदेश में, जब मैं गवर्नर था, प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इस मिशन को शुरू किया और अपना पूरा कृषि विभाग इसके साथ में जोड़ने का काम किया। उसका परिणाम है लगभग 2.25 लाख किसान इस समय हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। अब मैं गुजरात में हूँ तो 2 लाख किसान वहाँ जुड़ चुके हैं। बाकी जितने भी प्रदेश हैं, अब युद्ध स्तर पर सभी में कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी इस दिशा में, उन्होंने 16 दिसंबर 2021 को आनंद गुजरात से 8 करोड़ किसानों को जोड़कर प्राकृतिक खेती का आह्वान किया था और उनके बाद पूरे देश में एक बहुत बड़ी मुहिम चल पड़ी है और विश्वव्यापी भी ये कार्यक्रम बनेगा, क्योंकि अब लोगों की समझ में आया कि स्वास्थ्य का कितना महत्व है और रासायनिक कृषि से पर्यावरण बिगड़ रहा है, हमारा जल दूषित हो रहा है, धरती माता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, अन्न दूषित होने से, फल साग सब्जी दूषित होने से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो इन सब का निदान केवल प्राकृतिक कृषि पद्धति है। इस मिशन को पूरी भारत सरकार ने बजट में जोड़ा है, केंद्र के कृषि मंत्री जी और कृषि मंत्रालय और सारे भारत के कृषि विभाग इस मिशन को आगे बढ़ाने पर लगे।